कैच करो। है जो है वो थे में बदल गया, सिर्फ 5 मिनट गुजरा। मेरे नबी की शान, लगभग 1500 बरस हो गए मिलाद मुस्तफा को, न वो कल थे न आज थे न कभी थे, वो कल भी हैं आज भी हैं कयामत तक। और क्यों ना हो, यही तो हमारा कलिमा। कलिमा क्या है? कलिमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह। दूसरा हिस्सा क्या है? मोहम्मद। तर्जमा बिल्कुल सिंपल है, कोई नहीं है पूजा के योग्य इबादत के लायक सिवाय अल्लाह। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अब देखे जरा इन दोनों लाइनों, पहली लाइन खत्म कहां हो रही है? इसमें जलालत कही है, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह के नाम। इसमें जलालत पर पहला हिस्सा कलमे का पूरा हो, दूसरा हिस्सा कहां से शुरू हो रहा है? मोहम्मद रसूल, यानी इस पहली लाइन इसमें जलालत पर खत्म, तवज्जो चाहूंगा जिंदा जाएगा। दूसरी लाइन इसमें रिसालत से शुरू, बीच में कोई हरफे अथ भी नहीं, उर्दू में कहा जाए तो और नहीं, हिंदी में कहा जाए तो एवन नहीं, बंगला में भी इसी को कम नहीं, एंड अंग्रेजी वाला नहीं। यानी इसमें जलालत पर पहली लाइन खत्म, इसमें रिसालत पर दूसरी लाइन शुरू, अल्लाह और मुस्तफा के नाम के बीच में वाओ भी नहीं और भी नहीं है, एंड भी नहीं है, एवं भी नहीं है। अब जरा इन मुल्लों को बताओ जो नबी को खुदा से, खुदा को नबी से अलग करते, इनसे कहो खुदा ने जब अपने महबूब को, अपने सुनार नबी को जब कलमे में अलग ना किया तो मुसलमानों के दिल में कैसे अलग करेंगे? आज समझ में आ रही है? चलिए कभी मौका रहा तो हयात को और तफसील से बताऊंगा, लेकिन सिर्फ एक इशारा करके चला जाऊं, वो है कि किसी भी नबी का हम नाम लेते हैं तो एक स्पेसिफिक पीरियड होता है, एक खास कम्युनिटी संप्रदाय होता है जिसकी तरफ मंसूब करते हैं। जैसे हजरत हूद का नाम आया तो कहेंगे ये कौम आद के नबी, हजरत सालेह कौम समूद के नबी, अंबियाए बनी इसराइल के नबी थे। क्या कहते हैं? थे। और जब हुजूर की बात आती है तो कहते हैं ये पूरी कायनात के नबी हैं, समस्त ब्रह्मांड के नबी हैं। हैं कब कहा जाए? जब वो हमेशा मौजूद है। अब देखिए ना, के लिए जो होता है वो उसके रहने तक रहता है, ये नेचर। जैसे ये कुर्सी इस वक्त फिलहाल नूरानी के लिए, तो जब तक नूरानी है कुर्सी रहेगी, ये मेज नूरानी के लिए जब तक मैं बैठा हूं इसे कोई हटाएगा नहीं, ये माइक भी नूरानी के लिए तो जब तक मैं हूं ये माइक, बोलो तो कोई हटाएगा नहीं, सभापति भी नहीं चाहेंगे कि यह हट जाए क्योंकि नूरानी मौजूद। जो जिसके लिए होता उसके रहने तक रहता। हाँ, जब मैं चला जाऊंगा कुर्सी को खिसका दिया जाएगा, माइक को हटा दिया जाएगा, सला को सलाम हो जाएगा, लोग अपने अपने घरों में चले जाएंगे, जलसा खत्म हो जाएगा। फिर एक साहब आए जमीतुल फला में, कहें यार अभी 9:30 बजे बड़ी रौनक थी, अचानक सन्नाटा। कहाँ सन्नाटा? इसलिए है कि जिसके लिए महफिल सजी थी वो गया, जब तक वो था महफिल सजी वो गया, महफिल की सजावट ले गया। बिला तश्बीह अल्लाह ने अपने महबूब के लिए सारी रचनाएं की,
ये बरगो समर बला तुम्हारे लिए, शमसो कमर तुम्हारे लिए, शजरो हजर तुम्हारे लिए, खुशको तर तुम्हारे लिए, बहरो बर तुम्हारे लिए, जमीनो जमा मकीनो मका, चुनीनो चुना, बने दो जहां हम आए यहां उठेंगे वहां। तो जब तक नबी मौजूद है सूरज चमकता रहेगा क्योंकि नबी मौजूद है, आसमान तना रहेगा क्योंकि नबी मौजूद है, चंद्रमा चांदनी फैलाता रहेगा क्योंकि नबी मौजूद है, आकाश का निजाम चलता रहेगा नबी मौजूद है, गलियों में चटक गुंचों में चहे फूलों में महक बनी रहेगी क्योंकि नबी मौजूद। हाँ जब अल्लाह अपने दस्ते कुदरत से द हैंड ऑफ कुदरत, दस्त कुदरत के हाथ से जब अल्लाह उठा लेगा महबूब को तो हुक्म देगा ए इसराफील अब सूर फूंक दो, क्योंकि नबी की वजह से हमने निजामे कायनात बचाए रखी थी, अब रहमत वाले मुस्तफा ने दुनिया छोड़ दी। क्या समझे कि नबी के वजूद का नाम हिंदी में कहा जाए तो एवन नहीं है, बंगला में किसी को टोम नहीं है, एंड अंग्रेजी वाला नहीं, यानी इसमें जलालत पर पहली लाइन खत्म, इसमें रिसालत पर दूसरी लाइन शुरू, अल्लाह और मुस्तफा के नाम के बीच में वाओ भी नहीं और भी नहीं है, एंड भी नहीं है, एवं भी नहीं है। अब जरा इन मुल्लों को बताओ जो नबी को खुदा से, खुदा को नबी से अलग करते, इनसे कहो खुदा ने जब अपने महबूब को, अपने सुनार नबी को जब कलमे में अलग ना किया तो मुसलमानों के दिल में कैसे अलग करेंगे। वो गया महफिल की सजावट ले, बिला तश्बीह अल्लाह ने अपने महबूब के लिए सारी रचनाएं की, ये बरगो समर बला तुम्हारे लिए, शमसो कमर तुम्हारे लिए, शजरो हजर तुम्हारे लिए, खुशको तर तुम्हारे लिए, बहरो बर तुम्हारे लिए, जमीनो जमा मकीनो मका, चुनीनो चुना, बने दो जहां हम आए यहां उठेंगे वहां। तो जब तक नबी मौजूद है सूरज चमकता रहेगा क्योंकि नबी मौजूद है, आसमान तना रहेगा क्योंकि नबी मौजूद है, चंद्रमा चांदनी फैलाता रहेगा क्योंकि नबी मौजूद है, आकाश का निजाम चलता रहेगा नबी मौजूद है, गलियों में चटक गुंचों में चहे फूलों में महक बनी रहेगी क्योंकि नबी मौजूद। हाँ जब हुजूर की बात आती है तो कहते हैं ये पूरी कायनात के नबी है, समस्त ब्रह्मांड के नबी है। कब कहा जाए? जब वो हमेशा मौजूद है। अब देखिए ना, इसके लिए जो होता है वो उसके रहने तक रहता है, ये नेचर। जैसे ये कुर्सी इस वक्त फिलहाल नूरानी के लिए, तो जब तक नूरानी है कुर्सी रहे, ये मेज नूरानी के लिए, जब तक मैं बैठा हूं इसे कोई हटाएगा नहीं, ये माइक भी नूरानी के लिए, तो जब तक मैं हूं ये माइक, बोलो तो कोई हटाएगा नहीं, सभापति भी नहीं चाहेंगे कि ये हट जाए क्योंकि नूरानी मौजूद है।